दोस्तों, पीके साउंड साइंस चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ कि टाइमिंग चैन आवाज़ क्यों करता है और हार्ड स्प्रिंग और लूज स्प्रिंग में क्या अंतर होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो ये हमारा है हार्ड स्प्रिंग और लूज स्प्रिंग, तो ये बताएंगे कि ये काम क्या करता है और इनमें अंतर क्या होता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि हमारा जो हेड का टाइमिंग चैन जो हेड पे जाता है और वहाँ पे जो एक बड़ा वाला घरारी लगता है वो ऐसे होता है, आपको दिखा दूँ। मान लीजिए हमारा ऐसा घरारी होता है, यहाँ दो बोल्ट होते हैं लॉक करने के लिए 8 नंबर। यहाँ से हमारा चैन चढ़कर आया है, मान लीजिए ये हमारा चैन है और यहाँ पे हमारा रबड़ का एक रोलर लगता है सिलेंडर के बीच में और यहाँ एक 10 नंबर बोल्ट कस देंगे। उसके बाद हमारा ये चैन आ जाएगा डायरेक्ट हमारा क्रैंक शाफ्ट पे। क्रैंक शाफ्ट पे मान लीजिए ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है और ये छोटा वाला घरारी है, इस पे हमारा टाइमिंग चैन चढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारा ये जो भोजपुरी में लोग इसे तलवार बोलते हैं, ऐसा होता है इसे। यहाँ पे हमारा एक स्क्रू कस देंगे और यहाँ पे एक हमारा रोलर हो जाएगा और यहाँ से हमारा जो एक शाफ्ट होता है उसका उसके ऊपर वाले हिस्से पर एक रबड़ लगता है जिसे हम पुष्ट रबड़ बोलते हैं। और उसके बाद ये शाफ्ट लगाने के बाद यहाँ हम लूज स्प्रिंग या हार्ड स्प्रिंग इसमें लगा देंगे और यहाँ हमारा 14 नंबर का बोल्ट होता है। तो हमारा 14 नंबर का बोल्ट कसने से पहले हमारा मान लीजिए ये लूज स्प्रिंग, तो मान लीजिए हमारा टाइमिंग चैन आवाज़ कर रहा है तो आवाज़ कैसे बंद करें आपको बताएंगे। तो हमारा जो लूज स्प्रिंग है ये काम करता है कि टाइमिंग चैन हल्का लूज हो तो ये एडजस्ट करता है, और जो हार्ड स्प्रिंग है जो ज़्यादा टाइमिंग चैन आवाज़ करे उसको कम करता है। तो मैं बता दूँ कि हमारा लूज स्प्रिंग कब पड़ता है और हार्ड स्प्रिंग कब पड़ता है। तो हमारा लूज स्प्रिंग जब न्यू कोई भी टाइमिंग चैन डालते हैं तो उस पर हम लूज स्प्रिंग डालेंगे, क्योंकि हमारा पहले से ही टाइमिंग चैन सेट आता है, लूज नहीं होता है, इसीलिए हम लूज डालेंगे कि जितना उसका एडजस्ट करना होगा एडजस्ट कर लेगा। और हार्ड स्प्रिंग इसलिए होता है कि मान लीजिए हमारा पहले से लगा हुआ है टाइमिंग चैन और उसमें आवाज़ आ गया है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा ही मान लीजिए आवाज़ आ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे हल्का सा ऊपर की तरफ खींच लेंगे। और मान लीजिए ये हमारा जो है ये इससे ज़्यादा तो दबी नहीं सकता है क्योंकि बहुत हार्ड होता है, तो ये हमारा ऐसे लगा देंगे तो हमारा ये आवाज़ नहीं करेगा क्योंकि बहुत हार्ड है, हमारा जितना एडजस्ट करना होगा टाइमिंग चैन को उतना करेगा। और ये आप सोचते होंगे कि इसमें रगड़ेगा नहीं, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक घरारी होता है, ये आपको मैं दिखाया हूँ बनाकर, ये घरारी है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे घरारी नहीं लगेगा तो ये रगड़कर टाइमिंग चैन को भी काट देगा। तो ये घरारी मान लीजिए यहाँ से हम अपना ये हार्ड स्प्रिंग लगा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा है जो इसका ऊपर जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है नीचे आएगा, तो ये हमारा टाइमिंग चैन तो नीचे आएगा तो टाइट कर देगा, इसीलिए मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना।